हेलो एवरीवन, तो भाई टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का व्लॉग किसके ऊपर है। आज हम जा रहे हैं शोरूम पे, बिकॉज 1 लाख हम उनसे मांगते हैं अभी भी, जो कि एसेसरीज का हमने एडवांस जमा करवाया था और थोड़ा जल्दी डिलीवरी लेने के चक्कर में हमने वो ऐसे ही रख दिया था कि हम बाद में आके कभी भी करवा लेंगे जब टाइम होगा। तो अब हम जा रहे हैं 1 लाख की एसेसरीज लगवाने गाड़ी के अंदर। तो एसेसरीज क्या क्या लगती है, क्या क्या और हमें, अगर यहाँ से प्रॉपर नहीं हो पाता तो फिर हम जयपुर, दिल्ली, पंजाब, जहां से अच्छा होगा वहां से प्रॉपरली इसको करवाएंगे। तो भाई फाइनली बात ये आती है कि भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, पैसा बनाओ पैसा, ठीक है, बिकॉज पैसा आपके हर मोमेंट पे काम आएगा, आपके हर सपने को पूरा करने के काम आएगा। ठीक है, देखो जा रहे हैं और पीछे आप देख ही सकते हो कैसे दिखेगा। हाँ, पीछे पीछे घोड़ा आ रहा है स्कॉर्पियो और हम जा रहे हैं हाथी में फॉर्चूनर। ठीक है, तो बने रहे ब्लॉग के साथ और आज का 1 लाख रुपए हम किस किस में खर्च करते हैं वो भी आपको बताएंगे। लव यू ऑल। ओके, आ गए हम टोयोटा शोरूम। अब देखें, पूछते हैं टाइम वाइम कितना लगेगा, क्या है क्या नहीं है, और क्या पता यहाँ पे होगा कंप्लीट या फिर मेरे को लग रहा है इनके वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उतरते हैं एक बार। चलो, इंजन बंद, ये हो गया इंजन ऑफ। चलो उतरो, हैंड ब्रेक कंपल्सरी है, ये चाबी लो। हाँ भाई उतर जाओ ना रे। आ जाओ फटाफट बाहर आ जा। क्या हो रहा है, निकलो ना बाहर, स्वागत करना पड़ेगा ये तुम्हारा। हाँ तो भाई मनीष के थोड़ी लग गई है सर में। ओके, ले आ जा भाई, आ जा, बार बार इतनी करने की जरूरत क्या पड़ती तेरे को। चलो फटाफट दूर रख के बोल। तेरे को क्या हो गया, पट्टी खुल गई क्या तेरी, थोड़ी ज्यादा टाइट हो रही है, इसको लूज कर ले। कर ले लूज कर ले, नहीं तो सर सर दर्द करेगा अभी। ओके, अब हम जा रहे हैं वर्कशॉप पे। ठीक है, वर्कशॉप पे, क्योंकि सारा काम वर्कशॉप पे ही होना है। चलो स्टार्ट करें। चलो, और क्या क्या काम होता है आपको बताता हूँ। तो भाई वर्कशॉप का रास्ता हमें पता नहीं है, तो हम इसको फॉलो करेंगे क्योंकि ये टोयोटा की गाड़ी है इन्हीं की, क्योंकि इनकी कंपनी की गाड़ी है, और हम जा रहे हैं इनके पीछे पीछे वर्कशॉप पे। और मेरे को लगता है गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा यहीं पे आज। ठीक है, और बाकी बातें हम वर्कशॉप पहुंचकर फिर करते हैं। ठीक है, पीछे देख रहे हो पूरी प्रोटेक्शन के साथ। कहाँ गई रहे हो गाड़ी, मैंने तो देखा ही नहीं किस तरफ चली गई। इधर, ओह क्या बात है, अब अपन भी लगा रेस। तो अभी कहाँ जाएगी, अब फॉर्च्यूनर से बच के कहाँ जाएगा भाई। ये देखो कितनी स्पीड से दौड़ा लो इसको, अपन से बच के जा सकता है क्या कोई, हाँ जा सकता है क्या, कोई नहीं जा सकता। ये देखो कितनी मिट्टी उड़ा लो, और रेस लगाने पर आ गए तो फिर पवन साहु पीछे नहीं हटता भाई। किसी भी तरह की दौड़ो, जिंदगी की दौड़ो, कोई सी भी दौड़ो, चाहे मेहनत की दौड़ो। ओ तेरी क्या बात है भाई, अभी तो गाड़ी टूटते टूटते बची यार। अभी मेरे को इंश्योरेंस काम में आ जाता। वर्कशॉप यही छोड़नी पड़ती डायरेक्ट, मेरे को लग रहा 10-15-20 दिन तक यही छोड़नी पड़ती। चलो भाई बच गई आज तो गाड़ी। यहाँ लग जाइए, जब भी नंबर आएगा तब कंप्लीट करेंगे इसका। चले क्या बात है यार, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो वर्कशॉप पे, बहुत ही बढ़िया। या कॉफी, चाय या कॉफी,
तू पिएगा? तेरी शक्ल देख चाय पी पी की कैसी होगी। तो मंगवा लो, क्या मंगवा लो, कुछ भी मंगवा लो यार। चार कॉफी ले, लकी कॉफी पिएगा फटाफट। चाय नहीं पी, मैं तो कुछ पीता भी नहीं, बस अपन सिर्फ दूध पीते हैं, बचपन से दूध ही पिया है। ओके, खड़ी कर दी भाई हमने, ये रही, छोड़ के जाना पड़ रहा है। और भाई धूप आ गई, और भाई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दो चार एसेसरीज में ही 1,00,000 रुपए पूरे हो गए। और तो भाई कंपनी से करवाना इतना महंगा पड़ता है, लेकिन क्या करें, हमने एडवांस दे दिए पहले ही, तो अब उसको कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद हम सोच रहे हैं एक बार जयपुर से भी कंप्लीट करवाएंगे, बिकॉज एसेसरीज बहुत ज़्यादा करवानी है। और जयपुर से होने के बाद जयपुर में क्या क्या एसेसरीज करवाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आगे क्या होता है, क्या क्या एसेसरीज मैं कंप्लीट करता हूँ, शाम को 6 बजे तक लेने आना वापस गाड़ी को। सिर्फ 6 से 7 एसेसरीज को कवर किया है, जिसमें ही 1,00,000 रुपए से अबाउ चला गया, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ पैसा बहुत जरूरी है भाई, यहाँ कदम कदम चलने पे पैसे की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो? तो पैसा कमाओ मेरे भाई, पैसा, समय को बर्बाद मत करो, ये बहुत कीमती समय है। ओके, तो भाई फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, इसकी जो भी नॉर्मल एसेसरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ ही एसेसरीज को कंप्लीट किया गया है, बाकी एसेसरीज बाद में होगी, क्योंकि बिकॉज हमें टाइम नहीं था, तो हमने बोला कि थोड़ा जो भी हुआ उसको कंप्लीट करके हमें दे दो, कहीं बाहर निकलना था हमें, तो मैं बता देता हूँ 2-3 एसेसरीज क्या क्या लगाई है, ठीक है? और ये रही इसकी फॉर्च्यूनर की बेजिंग, जो कि मैं आपको गाड़ी को चलाते वक्त फाटक को खोल के बता रहा हूँ, जब ये बहुत ही क्लासिक लगती है इस तरह, देखो जब डोर ओपन होता है, और एक ये, ठीक है, फॉर्च्यूनर काफ़ी कॉस्टली होती है, और एक इसमें हमने ऑटो फोल्ड सिस्टम करवाया है, ठीक है? जब हम इसको लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिक फोल्ड होगा, और जब इसको अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिक बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है? तो भी देख रहे हो, क्योंकि ये घोड़ा नहीं है, घोड़े का खर्चा कम आता, लेकिन ये हाथी है, तो हाथी का खर्चा भी वैसे ही बैठता खाने पीने का। ओके, और इसकी जो है ना एसेसरीज, तो इसकी एसेसरीज भी इतनी कॉस्टली है, सिर्फ 1.5 लाख के अंदर, मतलब इतनी सी एसेसरीज है यार, अभी थोड़ी बहुत एसेसरीज बाकी है, तो वो एसेसरीज बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। उससे पहले हमें, मुझे जयपुर जाना पड़ेगा, और जयपुर से ही इसकी जो पेंट प्रोडक्शन जो कुछ भी होता है वो मुझे नहीं पता पूरा, लेकिन जो भी होता है PPF या सेरामिक कोटिंग जो भी, वो मुझे कंप्लीट करवानी है। उसके बाद इसकी आउटर जो एसेसरीज है वो लगने वाली है। और आज हम कहीं बाहर जा रहे थे, तो थोड़ी जल्दबाजी के लिए हमें गाड़ी को वापस मंगवाना पड़ा, और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बहुत ही जोरदार, बहुत ही अच्छा, थोड़ा इंटरेस्टेड करेंगे, जिसमें कि हम गाड़ी का रिव्यू करेंगे अच्छे से, आपको बताएंगे क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है, और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी अच्छी बातें हैं, ठीक है? तो बने रहे नेक्स्ट व्लॉग के लिए, और वेट एंड वॉच, लव यू ऑल, बाय।